हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिच के वीडियोस। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उषा कंपनी के हीट कन्वेक्टर के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास है उषा कंपनी का हीट कन्वेक्टर जिसमें कुछ फीचर्स दिए हैं। इसमें है नाइट लाइट इंडिकेटर, टू हीटिंग पोजिशंस, टेम्परेचर कंट्रोलर डायल। और फ्रेंड, इसका मॉडल नंबर है HC812T। ये दोस्तों, यहाँ पे इसके फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। ये रहा इसका मॉडल नंबर, ये सारे फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं। यह 1 ईयर वारंटी के साथ में आता है, ISAI मार्क भी है इसमें। और ये कुछ इनके अदर प्रोडक्ट्स हैं जैसे स्टोरेज वाटर हीटर, इंडक्शन कुकर, हैंड मिक्सर, इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर। और दोस्तों, बॉक्स पर कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी बताई गई है। फर्स्ट पोजिशन में ये 1000 वाट की वोल्टेज लेगा और इस पर कुछ डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी MRP के बारे में। इसकी MRP है 3290 रुपीज़ पर। मैंने इसे अमेज़ॉन से 2400 रुपये में लिया है और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप इसे वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये इसकी हीट कन्वेक्टर की एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, आप यूज़र गाइड भी बोल सकते हैं। पीछे इनके और प्रोडक्ट की डिटेल दे रखी है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा हीट कन्वेक्टर और चलिए करते हैं इसको अनकवर। यह है इसकी ग्रिल और इस पर साफ साफ लिखा है डू नॉट कवर। इसको चलाते समय हमें इसे कवर नहीं करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके हैंडल की, जो कि एक हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बना है। हमको दो नॉब्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला नॉब, इससे हम टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं। ये अभी सबसे लो पे है, फिर आप इसको ऐसे घुमाओगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और ऐसे ये फिर से बंद हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे नॉब में इसके फ़ैन की स्पीड है, अभी ये ऑफ पे है और फिर यहाँ पे फ़ैन पे, मतलब ये नॉर्मल स्पीड पे पंखा घूमेगा, फिर ये और तेज़ हो जाएगा और यहाँ पे अब हीट के साथ में पंखा घूमेगा, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हमको एक लाइट देखने को मिलती है, जैसे आप इसको पावर ऑन करोगे तो ये इसकी लाइट जल जाएगी। हीट कन्वेक्टर को यूज़ करते टाइम काफ़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसमें एक हाई क्वालिटी की केबल दी गई है। ये केबल नॉर्मल बोर्ड को जला भी सकती है, इसलिए जब भी आप इसे यूज़ करें तो एक पावर बोर्ड का इस्तेमाल करें। हीटर की बात करें तो ये उषा की कंपनी का है, मतलब एक ट्रस्टेड कंपनी का हीटर है। हीटर तो आपको और सस्ते मिल जाएंगे लेकिन मज़ा नहीं आ पाएगा, वो चलते ख़राब हो जाएंगे या फिर उनकी कॉइल जो यहाँ पे है वो ख़राब हो जाएगी। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा मेटलिक कंस्ट्रक्शन है, मतलब ये टूटेगा भी नहीं और बहुत ही मज़बूत हीटर है ये। तो ओवरऑल आप कुछ ऐसी चीज़ खरीदें जो लॉन्ग लास्टिंग रहे, आपको वारंटी भी मिलती है इसमें 1 साल की, तो वो ज़्यादा चलेगा भी सही। कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे हमको ये सपोर्ट के लिए ये छोटे स्टैंड दिखते हैं और अगर आप इसको स्टैंड को बड़ा भी कर सकते हो ऐसे करके, तो हमारा जो, मैं आपको दिखाता हूँ करके कि हमारा जो हीटर है वो कुछ ऐसा खड़ा हो जाएगा। तो ये स्टैंड को आप यूज़ कर सकते हो और हमेशा आप ध्यान रखें कि हीटर जब भी आप यूज़ करें इसको ज़मीन पर रखें, क्योंकि गर्म हवा नीचे से ऊपर जाती है। तो हीटर हमेशा ज़मीन पर रखें और फिर ही आप यूज़ करें, नहीं तो आपको गर्मी नहीं लग पाएगी। दोनों साइड आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका आपको फ़ैन दिखाई दे रहा होगा, मोटर दिखाई दे रही होगी। दूसरी साइड में भी सेम कंस्ट्रक्शन है, इससे हीट निकलती भी अच्छी है ताकि हमारा अच्छा सा चलता रहे। और ये इसका वेंट जो है, यहाँ से हमको हीट निकल के दिखती है, पूरी क्लीन है। बस आपको कुछ स्टिकर्स देखने को मिलते हैं सेफ्टी से रिलेटेड। और ये यहाँ पे इसकी केबल निकल रही है यहाँ से। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा हीट कन्वेक्टर उषा कंपनी का। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही और भी प्रोडक्ट्स के साथ, तब तक के लिए भारत माता की जय।